गोवा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। प्रमोद सावंत दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। सोमवार को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे प्रमोद सावंत की पत्नी के बारे में और ये भी बताएंगे कि आखिर वो क्यों कहलाती हैं अपने पति की पावर हाउस। चलिए आपको बता दें कि प्रमोद सावंत की पावर हाउस उनकी पत्नी सुलक्षणा सावंत है, जो हर कदम पर उनके साथ चलती हैं। वैसे सुलक्षणा बिकॉलिम के श्री शांता दुर्गा हायर सेकेंडरी स्कूल में केमिस्ट्री की शिक्षिका है, लेकिन वो सक्रिय बीजेपी नेता भी हैं। वो बीजेपी महिला मोर्चा की गोवा इकाई की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अपने मृदुल स्वभाव की वजह से ही वो अपने पति की तरह ही गोवा में काफी लोकप्रिय हैं। दोनों की एक बेटी पार्थवी सावंत है। सीएम प्रमोद सावंत ने अपनी पत्नी के प्रति कितना प्यार और आदर रखते हैं, इस बात का अंदाजा प्रमोद सावंत की एक पोस्ट से लगा था, जो उन्होंने सुलक्षणा के जन्मदिन पर लिखा था। अपनी पोस्ट में प्रमोद सावंत ने लिखा था, मेरे पावर हाउस और मेरे सपोर्ट सिस्टम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। प्रमोद सावंत ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि आपकी मेहनत और लोगों के प्रति सेवा भाव से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं आपके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करता हूं। गौरतलब है कि गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 20 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 11 और निर्दलियों को 3 सीटों पर विजय मिली थी। जबकि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 2-2 सीटें जीती हैं। जीएफपी और आरजीपी ने 1-1 सीट जीती है। एमजीपी के 2 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।